अब मैं अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है एडवांस एक्सेल का, वो है प्रोडक्ट शीट। यानी शीट को हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं जब भी हम लोगों को अपने कंपनी में अपने कोवर्कर को अपने कोई डेटा भेजना है और उनको अलाउ नहीं करना कि हमारी चीज हमारे जो शीट के अंदर वो शीट सिर्फ देख सके, व्यू कर सके, लेकिन अपने उस डेटा में ना कुछ एडिट कर सके, ना ही कुछ अपनी चीजों को एंटर कर सके। तो हम लोग अपनी शीट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला जो है वो डिलीट ना कर दे। कई बार हम लोग चाहते हैं कि अगर हमें अपने काउंटर पार्ट को भेजना है या कहीं अपनी शीट को शेयर करना है, हम चाहते हैं कि वो सिर्फ व्यू करे और कोई भी डेटा, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कोई चीज अगर आप वो एडिट करना चाहे तो वो एडिट ना हो। तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट शीट को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। मैं यहाँ प्रोटेक्शंस पे क्लिक करता हूँ और अपने उस एक शीट पे चलता हूँ जहां पर मैंने एक डेटा ऑलरेडी यहाँ पर लिया हुआ है। एक शीट है जिसमें ऑलरेडी यहाँ पर अगर बीच के डेटा को मैं चेंज करता रहूंगा तो ये अपने आप मूव होते रहेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ मैं 80 कर दिया, राइट, 80 कर दिया, कलरिंग और का कंडीशन फॉर्मेटिंग के हिसाब से 80 कर दिया, राइट, 80 कर दिया, तो ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। अगर फिर से मैं 95 कर दिया तो यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन हो गया और यहाँ पर वो कंडीशन फॉर्मेटिंग मेरा कलरिंग वाला नहीं है, राइट। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अगर ये शीट जो है मैं अगर काउंटर पार्ट को शेयर करूं तो आप मेरे ये वाले डेट को रीजन को चेंज ना कर पाए। अगर आपने चेंज करना है, अगर पूरी आप पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले मैं फुल शीट को प्रोटेक्ट करके बताता हूं। देखिए प्रोटेक्ट शीट के अंदर यहां पर प्रोटेक्ट शीट के अंदर राइट क्लिक कर लीजिए। ये देखिए ये प्रोटेक्ट शीट यहां पर आती है। प्रोटेक्ट शीट में आते हैं, एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। आपने सिर्फ अपना एक पासवर्ड देना है। अभी नीचे की चीजों को यहां पर मैं अनचेक कर देता हूं। ये दोनों जो है चेक ये रहना चाहिए, बाकी अनचेक कर दिया। आगे अनचेक कैसे होंगे वो भी मैं बताऊंगा। यहां पर आपको पासवर्ड देना है, पासवर्ड देना है, पासवर्ड दे लीजिए। अगर पासवर्ड हाँ अगर हम लोग शीट में पासवर्ड देंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू कि कोई भी नो वन कैन ओपन दिस बुक विदाउट एनी पासवर्ड। आप पासवर्ड आपको यहां पर दे सकें तो आप पासवर्ड दे दें और 123 री एंटर करें तो ये आपका कहीं भी चेंज करेंगे आप कहीं भी ये क्लिक नहीं कर पाएगा, आपके डेटा के अंदर चेंज नहीं कर पाएगा, देखिए, राइट। हाँ अभी ये क्या है कि यहां पर इसलिए हुआ, मैं यहां पर फिर से जाता हूं, अनप्रोटेक्ट कर देता हूं। अनप्रोटेक्ट में फिर से पासवर्ड मांगेगा, मैं यहां पर पासवर्ड दे देता हूं और आप देखिए कि यहां पर आप चेंज कर सकते हैं, राइट, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अब प्रोटेक्ट शीट को आप तीन या चार जगह से यहां पर यूज कर सकते हैं। नंबर एक यहां पर शीट के अंदर प्रोटेक्ट यहां पर चले जाएं, नंबर दो यहां पर रिव्यू में आ जाएं, रिव्यू के अंदर ये प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। देखिए शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कोई वर्कबुक है, जैसे यहाँ शीट को मैंने किया, अगर पूरे वर्कबुक को करना है तो वर्कबुक भी यहाँ प्रोटेक्ट, वर्कबुक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा तो मेरे पूरे वर्कबुक को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लेगा, राइट। यहाँ पर रिव्यू में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन और है, यहाँ पर होम में चले जाएं, यहाँ पर फॉर्मेट में चले जाएं और ये नीचे आप देखें ये प्रोटेक्ट शीट चले जाएं और एक नीचे यहाँ पर लॉक सेल यहाँ पर यूज कर रखा है, सेल को लॉक, राइट, लॉक करना है तो वो भी कैसे करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन और है, यहाँ पर फाइल में यहाँ पर चले जाएं, इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर चले जाएं। ये देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट करंट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, यहां से भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अभी चलिए कि मैं यहां पर देखिए यहां मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं, राइट क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर मेरे ये नीचे ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट है, राइट। कॉलम को किया आपने, रो को भी कर लीजिए आप। ये रो को भी मेरे यहां पर जो इंसर्ट डिलीट क्लियर कंटेंट्स ये जो है मेरे यहां पर ऑप्शन जो है एक्टिवेट है। अब देखिए मैं अगर यहां पर शीट को प्रोटेक्ट करता हूं, प्रोटेक्ट करने के बाद मेरे ये ऑप्शंस यहां पर आ जाते हैं, राइट। मुझे यहां पर प्रोटेक्ट कर लेता हूं, पहले तो सीधा री एंटर करता हूं। देखिए मैंने कर दिया, शीट को प्रोटेक्ट कर दिया, राइट। यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे ये जितने भी ऑप्शन है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, अब डिसेबल्ड हो जाएंगे। इसको अनेबल कैसे करेंगे तो वही प्रोटेक्ट शीट पे जाकर इसको ओपन करना पड़ेगा। कॉलम में गए हम लोग, वही चीज हम लोग यहां पर रो में भी बात करेंगे तो मेरे ये सारे ऑप्शन जो है वो डीएक्टिवेट है। अब इनको अगर मेरे को ओपन करना है मैं तो अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वही पासवर्ड एंटर कीजिए, राइट, हो गया है वो। अब यहां पर आऊंगा मैं प्रोटेक्ट शीट करूंगा, देखिए अगर मेरे को यहां पर इंसर्ट रोज और इंसर्ट कॉलम को एक्टिवेट रहने देना है, बाकी ऑप्शंस को डीएक्टिवेट रहना है तो यहां पर इंसर्ट रोज एंड इंसर्ट कॉलम को चेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए तो यहां पर आपका देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स भी यहां पर आपका एक्टिवेट है। कॉलम में बात करा, उसके बाद यहां पर रो में बात करेंगे तो ये यहां पर आपको इंसर्ट रोज एंड कॉलम दोनों एक्टिवेट है। तो अगर यहां पर मैं फिर से जाता हूं, अनप्रोटेक्ट करता हूं,
राइट, मेरा अनप्रोटेक्ट हो गया, मैं यहाँ पर क्योंकि पासवर्ड नहीं दिया था, यहाँ पर इंसर्ट रो, अभी यहाँ पर मैं डिलीट रोज डिलीट कॉलम्स यहाँ पर करता हूँ, पासवर्ड देता हूँ और यहाँ पासवर्ड देता हूँ, तो वो देखिए आप यहाँ पर मेरा ये डिलीट रोज एंड कॉलम्स भी यहाँ पर एक्टिवेट है, उसके बाद यहाँ पर मेरा डिलीट रोज एंड कॉलम्स यहाँ पर भी एक्टिवेट है, राइट। मैं यहाँ पर फिर से अनप्रोटेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3, तो मेरा यहाँ पर ये सभी जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। अब आप ये चाहते हैं कि एक एग्जैक्टली मुझे अगर मैं कहीं पर भी अपने डेटा को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर मैं चाहता हूं कि ये वाला शीट अगर मुझको काउंटर पार्ट पे या कहीं और दूसरे डिपार्टमेंट में मेरे को भेजना है ताकि उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, सिंपल बात है कि कंट्रोल शीट ए को कर लेंगे, यहां पर प्रोटेक्ट कर लीजिए पहले 1 2 3, यहां इसको कुछ भी 1 2 3 और 1 2 3, तो आप ये देखिएगा कि कोई भी यहां पर चेंज नहीं कर पाएगा, कहीं भी क्लिक कर लीजिए, ये वाला जो है कहीं भी क्लिक कर लीजिए, देखिए ये कहीं भी क्लिक कर लीजिए, आप कहीं भी क्लिक कर लीजिए, ये इसलिए यहां पर कर रहा है क्योंकि मैंने यहां पर सेल को लॉक किया है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, होम कर लेता हूं, यहां पर फॉर्मेट कर लेता हूं, यहां पर देखिए यहां पर सेल को लॉक यहां हो रख अनलॉक हो रखा है, अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा पहले मुझे, शीट को अनप्रोटेक्ट कर लीजिए, राइट 1 2 3 ओपन कर लीजिए, हो गया। अब फिर मैं यहां पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, होम पे जाता हूं, राइट फॉर्मेट में जाता हूं और यहां सेल लॉक सेल, राइट ये मेरा लॉक हो गया। उसके बाद राइट उसके बाद मैं यहां से फिर से प्रोटेक्ट कर लेता हूं और यहां 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखिए कि यहां पर देखिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं और आप यहां पर भी क्लिक नहीं कर पाएंगे, कहीं भी क्लिक कर लीजिए आप यहां पर क्लिक नहीं कर पाएंगे। अब मुझे यहां पर ओपन करना है तो सबसे पहले मुझे प्रोटेक्ट शीट को ओपन करना पड़ेगा, राइट। अब मुझे यहां पर सेट करके यहां पर फिर वही होम में जाकर सेल को लॉक, देखिए यहां पर क्या है, आप देखिए कि ये लॉक सेल है और मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो आप थोड़ा सा चेंजेस नजर आएगा, देखिए ये सेल लॉक, यहां पर देखिए चारों तरफ जो है हमारा लॉक द सिलेक्टेड सेल टू कीप पीपल फ्रॉम मेकिंग चेंजेस टू देम, यू मस्ट टर्न ऑन प्रोटेक्ट शीट इन अदर ऑर्डर फॉर दिस फीचर टू वर्क। देखिए यहां लॉक सेल को क्लिक करता हूं तो आप ये देखिए कि यहां पर चेंजेस हो जाते हैं, राइट। मुझे यहां पर सेल को लॉक करना है, ओपन करना है और बाकी जो चीजें हैं यहां पर मैं अगर इसको शीट को प्रोटेक्ट कर लेता हूं, राइट 1 2 3 1 2 3, राइट। अब देखिए यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां ओके हो जाएगा, यहां मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर भी मैं आपको नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहां पर अगर लेके वापस लेके आना तो पहले मुझे यहां पर शीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद मैं यहां पर होम पे जाता हूं, फॉर्मेट में जाता हूं तो मुझे यहां पर सेल को लॉक यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहां मुझे प्रोटेक्ट शीट 1 2 3 1 2 3, राइट। अब देखिए यहां पर आप यहां पर चेंजेस कर सकते हैं, राइट। और यहां पे 90 90 90 90 और 90, आप दूसरे एरिया में चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये डाटा ही आप चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई भी डाटा चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से आपका कोई भी टेबल है, अगर आपको पूरा शीट प्रोटेक्ट करना है, देखिए मेरे को पूरा शीट प्रोटेक्ट करना है तो मैं यहां पर जाऊंगा, पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर लेता हूं, राइट। अब मुझे पूरा का पूरा शीट करना है तो आपको सीधा और सीधा यहां पर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और यहां पर 1 2 3 सिलेक्ट कर लीजिए, 1 2 3 सिलेक्ट कर लीजिए, आप कहीं भी क्लिक करें, कहीं भी क्लिक करें। ये इसलिए है क्योंकि मैंने यहां पर उस सेल को ओपन नहीं किया है, यहां से 1 2 3 कर ले तो मुझको सेल को पहले यहां पर ओपन करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। और मैं यहां पर प्रोटेक्ट कर लेता हूं 1 2 3 1 2 3, तो आप देखिए कि यहां भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये एक प्रोटेक्शन शीट को प्रोटेक्ट करता है और चार ऑप्शंस मैंने आपको बताए, होम के अंदर की यहां पर फॉर्मेट में, ठीक है, रिव्यू के अंदर चले जाएं अनप्रोटेक्ट शीट प्रोटेक्ट शीट में, उसके बाद हम लोग यहां पर अगर फाइल ऑप्शन में चले जाएं और यहां हम लोग यहां से भी प्रोटेक्ट शीट यहां प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको इससे पहले जो मैंने आपको क्लियर किया था वो था पेस्ट स्पेशल का फंक्शन, दूसरा मैंने प्रोटेक्शन आपको आज दोनों क्लियर किए हैं और मैं दोनों को सेपरेट सेपरेट आपको शेयर करूंगा, स्पेस स्पेशल एक अलग से करूंगा। तो डेफिनेटली उसके बाद मेरे जो एडवांस एक्सेल की ये जो चैप्टर्स हैं वो अभी बाकी हैं और मैं टाइम टू टाइम इसको क्लियर करता रहूंगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। कभी भी कोई भी इश्यू आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।